स्पाइडर तो पेड़ों पे झूल रही है, बगीज है मस हवा के ताल पर, उड़े हवा में ऊंचाई पर, हम मजे में हम हंसने थरुंदा पेड़ पर, एक बारी बार कुछ उड़ते हैं कुछ तैरते हैं, रहे प्यार से ये सब मिलके। अच्छा तो पीजेबी स्नैक किसे चाहिए? पीजेबी इसका क्या मतलब है मॉम? प्लम जूसी बेरी। मुझे मुझे दीजिए। लो सनी पैच बग स्काउट्स के लिए लंच। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। स्क्वर्ट तुम इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लब जा रहा है एक सैर पर, तो हम साथ में क्या ले जाए? बस अपनी क्यूरियोसिटी हनी बग। तो फिर अब इंतजार किसका, मैं तो सब कुछ देखना चाहता हूँ। जरा संभल कर। हाँ तो बग स्काउट्स चलो अब हम चलते हैं। स्क्वाड तुम अपना ये बड़ा सा बैग यहीं कोजी होल में छोड़ दो। आप सही कह रहे हैं डैड। हम खाने के समय तक लौट आएंगे हनी। जाओ तुम सब खूब मस्ती करना। बाय। बग स्काउट्स रुको। सॉरी एवरी बागी। चलो हम सबसे पहले वॉर्मी वे से विगली वॉक तक जाएंगे, फिर ड्रिबली डेल जाएंगे। लेकिन हम स्नेकी वुड्स में कब जाएंगे? नहीं आज हमारे लिए स्नेकी वुड्स तक जाना ठीक नहीं होगा ड्रैगन, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। स्नेकी वुड्स खतरनाक जगह है, वहाँ पर कौवे हैं, ब्लू जेस हैं, बैट्स हैं, और क्या बोल रहा हूँ मैं, स्नेक्स स्नेक्स हाँ स्नेक्स बाबरे। मैं तो किसी अच्छी जगह पर जाना चाहता हूँ। अभी नहीं ड्रैगन, पहले शेली को तो आ जाने दो। शेली वो स्नेल? हाँ मैंने उसे भी बग स्काउट्स के साथ घूमने के लिए बुलाया है। सॉरी मुझे काफी देर हो गई, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो शेली, सनी पैच बग स्काउट्स भी तैयार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल टाइम पर। बग्स अवे। चलो चलते हैं शेली। हाँ मैं आ रहा हूँ स्क्वाड। वाओ देखो ना ये पाइन कोन कितना बड़ा है, चलो रेस लगाते हैं। शैली का इंतजार करो। सॉरी शैली। हे, इसके अंदर तो ढेर सारे छोटे छोटे खाने हैं। तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मैं भी खेलना चाहता हूँ। मिस स्पाइडर कोन की इन खाली जगह को देखकर लगता है कि इनमें जरूर कुछ था शायद। हाँ सही कह रहे हो शैली, पाइन कोन्स में पाइन के पेड़ के बीच होते हैं, वो नीचे गिरते हैं और मिट्टी में बीच चला जाता है। मुझे तो लग रहा था कि ये किसी का किला है। हे, सुनो जरा देखो वहाँ पर क्या है। चलो ना जल्दी। हाँ थैंक्स, तुमने मेरा इंतजार किया स्क्वाड। कोई बात नहीं शैली, तुम आ तो गए। घबराओ मत बच्चों, हम जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा भी। चलो ना शैली तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। बस अभी आ रहा हूँ जल्दी से। तुम आराम से आओ शैली, मुझे भी बचपन में टोल स्टूल बाउंसिंग बहुत पसंद था। मॉम खाना कब मिलेगा? हाँ, बहुत भूख लगी है हमें भूख। थोड़ा सब्र करो बच्चों। हाँ? थोड़ा और आगे चलकर हम खाना खाएंगे। अरे ये तो बताओ कि ये क्या है? बहुत सुंदर। इसे मैं उठाती हूँ माँ।
क्या तुम्हें शेली का इंतजार नहीं करना है? हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ओके। ये कितनी अजीब बात है, टोडस्टूल्स तो हमेशा पुरानी लकड़ी और पत्ते पर पैदा होते हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हो शेली, वहीं पर टोडस्टूल्स को खाना मिलता है, उन पौधों से जो कभी जिंदा थे पहले। मैं ये जानता ही नहीं था मॉम। शेली की वजह से आज हमने बहुत कुछ सीखा है। माफ करना शेली, लेकिन मेरे भाई बहन तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं स्क्वर्ट, स्पीड कम हो तो ऐसा ही होता है। लेकिन मैं तो आराम से काम करती हूँ। मैं भी। वाव, शायद किसी मॉन्स्टर ने बनाया है। हाँ, बड़ी ही डरावने मॉन्स्टर ने, हरी खाल और लंबे दांत वाले ने। दांत? मॉम देखिए, मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स। बच्चों, मुझे तो ये चिपमंक के निशान लग रहे हैं। मुझे तो किसी मॉन्स्टर के लगे थे। हाँ, कोई बात नहीं बाउंस। हाँ, चिपमंक्स बग्स को नहीं सताते। चलो अब खाना खा ले बग स्काउट्स। हम तो खाना खा चुके हैं मॉम। खा लिया? हाँ, शेली का इंतजार कर रहे थे तब काफी समय मिला। इधर आओ ड्रैगन। सॉरी, मेरे भाई बहन इंतजार नहीं कर रहे थे। शेली जरा सुस्त है, इसमें उसका क्या दोष? सॉरी मॉम, लेकिन अगर ये तेज चलता तो हम बहुत कुछ और देख सकते थे। ऐसा करो, तुम बाकी सारे बक्स के साथ खेलो, तब तक मैं शेली और स्क्वर्ट खा लेते हैं। ठीक है, चलो हम खेलते हैं। अरे सुनो, ज्यादा दूर मत जाना। नहीं जाएंगे। सैंडविच शेली? ओह थैंक यू। मैं कुछ सोच रहा था, मैंने एक बार एक चिपमंक को देखा था, उसके गाल फूले फूले थे। बड़ा अजीब सा लग रहा था। तुम्हारी तरह? हाँ, गाल इसलिए फूले रहते हैं क्योंकि चिपमंक्स उसी में खाना भर लेते हैं। अब मैं समझ गया। अब मेरी बारी है। उड़ने से ज्यादा मजा तो स्लाइडिंग में है। तुम ठीक हो? वहाँ देखो ना जरा। चलो देखें कि ये कहाँ तक जाता है। लेकिन मॉम ने तो दूर जाने से मना किया है। जब तक शेली खाना खाएगा तब तक हम वापस भी आ जाएंगे। भूल गई कि वो एक स्नेल है। ओके बग स्काउट्स, चलो अब घर वापस चलते हैं। वो कहाँ चले गए? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन चलो हम उन्हें ढूंढते हैं, वरना वो कहीं फंस जाएंगे। चलो ना, हम उस तरफ से चलते हैं। नहीं, इस तरफ। या फिर इस तरफ। हम भटक गए। मैं घर जाना चाहता हूँ। मानना पड़ेगा ये जगह सच में डरावनी है। आओ, अपने दांत संभालो बाउंस, मेरी पूंछ काट रहे हो। सॉरी ड्रैगन। अब हम क्या करेंगे? ड्रैगन, शिमा, बाउंस, पैंसी, वहाँ कोई है? वो यही कहीं आसपास में ही होंगे। देखो मॉम है। मुझे खुशी है तुम सब ठीक हो। हमें लगा था आप हमें कभी नहीं ढूंढेंगे। हमें लगा कि अब हम यहीं फंस जाएंगे। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। समझ गए बाउंस। गलती मेरी थी मॉम, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये बात हम बाद में करेंगे ड्रैगन, अभी तो ये सोचना है कि रात होने से पहले स्नेकी वुड से कैसे निकलें। हम अभी स्नेकी वुड्स में हैं क्या? हाँ, लेकिन हम जल्दी ही निकल जाएंगे। चलो मेरे साथ बग स्काउट्स। ओह मॉम, हमें कुछ नहीं दिख रहा। जानती हूँ स्वीटी। अब किस तरफ जा रहा है मॉम? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है। मैं रास्ता ढूंढ सकता हूँ। सच में? कैसे? मेरे जैसे स्नेल्स जहाँ भी जाते हैं अपने पीछे स्लाइम की एक ट्रेल छोड़ते हैं, उससे शरीर गीला होता है और पत्थर वगैरह पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं। देखा, अब हमें सिर्फ उसके पीछे पीछे जाना है। ट्रेल तो साफ दिख रहा है। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ, मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखा ना, आराम से काम करने वालों को सब कुछ साफ साफ दिखता है। अब हम जल्दी से चले क्या? जरा देखो
हवा की मीठी धुन बस सुबह से शाम तलक देखो दुनिया के जलवे बस सुबह से शाम तक बनाओ एक नया साथी। उनका कुछ पता लगा या नहीं फ्लिंट? नहीं, और मेरी टेल भी टिमटिमा रही है। ओह, हम पहुंच गए। चलो अब जान में जाना। हा? तुमने कर दिखा शैली, हमें घर वापस ले आ। इसमें खास क्या है? अपने स्लाइम के पीछे पीछे आ गया। हनी। ओह हॉली, तुम्हें ज्यादा फिक्र तो नहीं हो रही? हाँ, जानती हो मैं तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था। सॉरी हमें देर हो गई हनी, लेकिन हमें बड़ा मजा आया, है ना बच्चों? हाँ, सुपर डुपर। और आज तो मैंने वो सब भी देख लिया जो आज तक मैं नहीं देख पाया। कभी कभी स्पीड कम करने से बहुत कुछ दिख जाता है और नए दोस्त मिलते हैं। सॉरी, तुम्हें मैंने बहुत ही स्लो कहा था। शैली, मुझे खुशी है कि तुम भी बॉक्स का उठो। थैंक्स ड्रैगन। अब चलो कोजी होल तक रेस करें। हाँ, चलो रेस करें। देखिए मॉम। अरे वाह, मुझे तो पाय की खुशबू आ रही है। पाय की? ये तो शिमर और बाउंस की स्पेशल पाइज हैं। हाँ राजू। हम इन्हें स्प्रिंग फेयर ले जा रहे हैं। बेटी नानी इन्हें अपने स्टॉल में रखेंगे और इनके बदले कुछ लेंगी। मॉम ने कहा है हम अपनी पसंद की चीज से इन्हें बदल लें, जो चाहिए वो। तुम बेटी नानी की ट्रिपल बेरी पाइज के बदले में कुछ ले लेना। फिक्र मत कीजिए डैड, हमने आपके लिए भी एक रखा है। थैंक्स स्वीटी। हम इनके बदले रेडवुड के प्ले फॉर्ज लेंगे, वो जो दिमाग बनाते हैं। हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वो सुन सकते हैं नेट? हाँ हाँ टेड। पाई जैसी खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल वैसी टेड। ओह गुड डे, तुम सब ठीक तो हो ना? हाय नेड। मैं हूँ टेड, ये है नेड। हाय टेड एंड नेड। मुझे खुशबू आ रही है बेकिंग की। हाँ, पाय की गंध लार टपक गई। हम इन्हें किसी चीज से बदलने वाले हैं। अच्छी चीज से? हाँ। फिर तो शायद हमारे पास तुम्हारे पसंद की चीज है प्यारे बच्चों। इनके अंदर? हाँ? हम इनके बदले कोई अच्छी सी चीज लेंगे। हाँ। ओह ये तो बहुत अच्छे है। लेकिन ये है क्या? ओह, इनमें तो छिपा है एक आइलैंड का खजाना। खजाना? लेकिन किस तरह का खजाना? ये मुझे बीन्स लग रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा मत कहो, ये कोई मामूली बीन्स नहीं है, ये तो जादुई बीन्स हैं, समझ गए? जादुई? अरे, सच में जादुई? हाँ। अब्राकाडाब्रा, बगली बू। ओह, मेरे हीट सेंसर्स बता रहे हैं कि अंदर कुछ है। जादुई बीन्स मिल गए तो मजा आ जाएगा बाउंस। वाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अफसोस कि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। अगर ये सच में जादुई बीन्स तो ये हमारी हर विश जरूर पूरी करेंगे। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो हम भी कहते हैं हाँ ले लो। हाँ जरूर लेंगे। डैड मॉम, हमने अपनी पाइस बदल ली। देखिए ना हम क्या लाए हैं। बीन्स। बीन्स? मैंने ऐसे बीन्स तो आज तक नहीं देखे हैं। तुम बीन्स लेकर क्यों आए? नहीं मॉम, ये मामूली बीन्स नहीं है, ये जादुई, तो जादुई है। जादुई? ये तुमसे किसने कह दिया? Invented. हमने अच्छे सौदा किया ना? कितना अच्छा है, ये तुम भी जान जाओगे। आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें भरोसा है कि वो दोनों भाई दो पाइस के बदले में तुम्हें जादुई बीन्स दे देंगे? लेकिन डैड, मेरे हीट सेंसर्स ने भी बताया कि अंदर कुछ है। आई एम सॉरी प्यारे बच्चों, लेकिन मुझे तो ये जादुई नहीं लग रहे हैं। और वैसे तो हर बीन्स जादुई होते ही हैं बच्चों। बिल्कुल सही, थोड़ा सा पानी, थोड़ी मिट्टी, थोड़ी धूप और थोड़ा प्यार पाकर ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। और ये आबरा का डाबरा वाली जादू से कभी नहीं बढ़ते हैं। ये सच में जादुई है डैड। हमने इन्हें हिलते देखा था। हम इन्हें मिट्टी में लगा देंगे, फिर देखते हैं क्या बनते हैं। रेडी? हाँ। हे
अपना जादू दिखाओ। बाउंस, वो कहाँ चले गए? वो सर जा रहे हैं। हे, यहाँ आओ ना। हे, अब वो कहाँ चले गए? मैं भी देखती हूँ कहाँ जा रहे हैं। वो जा रहे हैं डैडी पटल की ओर। स्नेकी वुड्स में चले गए। चलो चलते हैं। वो वहाँ पर है। स्नेकी वुड्स के अंदर है। उधर। मुझे स्नेकी वुड्स जरा भी पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं, लेकिन हमें जादुई बीन्स को वापस लाना होगा। मुझे तो स्नेकी वुड्स जरा भी पसंद नहीं। ओह, वो तो टनल में जा रहे हैं। चलो फिर वो। सॉरी। अरे नहीं, ये टनल नहीं, ये तो सांप का बिल है। काफी डरावना। इस बार हमारे मैजिक बीन सचमुच गायब हो गए हैं। हाँ? आराम से, ज्यादा कूदो मत। अरे कुकुदी होती है। यही रुको बाउंस। प्लीज उन्हें बाउंस। अरे नीचे देखो ना। ओफ, अगली बार मैं बीन्स की ओर देखूंगा भी नहीं। इस बार हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। तुम तो कह रहे थे कि उन बीन्स को रोप दोगे। हाँ, लेकिन वो हमारे पास ज्यादा देर तक नहीं रुके, इसी वजह से टेड और नेड ने हमें ये बीन्स दिए थे। हाँ, उन्हें कोई खा भी नहीं सकता। वो किसी भी काम के नहीं, सिर्फ पूरे सनी पैच में भागते ही रहेंगे। हो सकता है कि वो जादुई हो ही नहीं। हाँ? देखा, वो इतनी देर भी हमारे पास नहीं रहे कि हम टॉस कर सके। अरे वाह, ये तो टूट भी गए। हे, वहाँ पर शायद कोई चीज है। मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। वो कोई जादुई बीन्स नहीं है, ये तो मॉथ्स हैं। लेकिन मॉथ्स इसके अंदर कैसे आ गए? बच्चों, तुम्हारे वो जादुई बीन्स दरअसल दो नन्हे मॉथ्स के कोकून्स थे। बाउंस, हमारे बीन्स तो बग्स बन गए, किसी जादू की तरह। जानता हूँ। ये देखो शिमर, इन्हें देखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब ये कि बीन सच में जादुई थे, है ना मॉम? हाँ, वो सच में बड़े खास हैं। मैंने ऐसा कुछ भी सनी पैच में कभी नहीं देखा। सीनियरेस, आपने मेरे भांजों के साथ क्या किया? मिस्टर मॉथ, ये तो बड़े ही टेस्टी थे। आपने खा लिया? ओह, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाया। हमने बदल लिया है। पाइज के लिए। बहुत ही टेस्टी पाइज हैं। सच में कमाल के पाइज हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल सेफ हैं। वो सनी पैच की सबसे सेफ जगह पर है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? ओला ओला ओला। ओला? ये ओला क्या है? ओला स्पेनिश में ओला का मतलब है ऊंचा। मिस्टर मेंडिस ने बताया था हमें। लेकिन ये स्पेनिश में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तुम लोग कहाँ से आए हो बोलो। ओला ओला ओला। ये शायद कुछ नहीं जानते हॉली। सिन्योरा। हाँ,
Buenos dias. तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। ये बच्चे आपके हैं क्या? हाँ, मैं इनका मामा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर ये मुझे नहीं मिलते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हम इनके पीछे पीछे पूरे सनी बैच में भागे। हाँ, ये तो सच में कमाल के हैं। बीन्स। कुछ बग्स इन्हें मैक्सिकन जंपिंग बीन्स कहते हैं। ये मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरे पास ही रहते हैं। शायद ये कूद कर भाग गए थे। सेनोरेस, क्या आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे? अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, हम माफी चाहते हैं। हाँ, आगे बोलो। हमने ही इनसे कहा था कि वो बीन्स जादुई है, इसलिए मैंने इनसे कहा है कि आपकी पाइस वापस कर दें, लेकिन इनके पास यही बचा है। वैसे ये पाई सच में बड़े ही टेस्टी थे और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ओ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। इन्हें बर्बाद करना बहुत गलत है, लेकिन हमसे गलती हो गई। वैसे ये भी बुरा नहीं है, लो। थैंक्स, हम तो यही समझ रहे थे कि ये भी जादुई है। मैं तो कहती हूँ कि हमें एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ था। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने हमारी बात सच में मान लिया। क्या मजाक था। सीनियोरेस। लेकिन हमें दुख है कि हमने तुमसे झूठ बोला था। ओह, ग्रैंडमा बेटी की पाइस की खुशबू आ रही है क्या? हाँ। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता था।